यानी जो माँ ने नाम रखा है पिज्जा पॉकेट मनी, ये हमारा फुलकिया है, इसको हम निकाल रहे हैं। बाकी हम बाकी आपको दाल की दिखाते हैं। ये देखिए एक हमारा पॉकेट फ्राई हो गया है, अब हम बाकी करने चलते हैं। अब ये मैं दूसरा डाल रही हूँ, इसको तेज फ्लेम पर फ्राई करना है और इस पर स्पून से ऑयल डालना है ताकि ये फूल जाए। डालते हुए दिखाएं ये वाला जो है ना, गोल स्पून से इसके ऊपर ऑयल डालिए ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए, ताकि फिर इसको हम कट करके इसके अंदर भरेंगे फिलिंग। ये देखिए दूसरा भी हमारा फूल गया, रेडी हो रहा है। सारी इसी तरीके से हम फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए ये भी हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पॉकेट्स रेडी हो गए हैं और ये हमारी फीलिंग है और ये हमारी चीज़ और वो है मसाला। अब इसको हम भी सेंटर में से कटिंग करेंगे और सारा मसाला इसमें ऐड करेंगे, भरेंगे। हेलो व्यूअर्स, आपको अरुषा और महाकाल सलाम। आज यानी कि अब हम बनाएंगे पिज़्ज़े से एक ज़बरदस्त चीज़, पिज़्ज़े की बैट से एक ज़बरदस्त यूनिक सी चीज़, पॉकेट मनी। पॉकेट मनी हम बनाएंगे, पॉकेट मनी सैंडविच, यानी सैंडविच भी बोल सकते हैं, पॉकेट उसको पॉकेट भी बोल सकते हैं आप उसको। हम बनाएंगे पिज़्ज़ा पॉकेट, पिज़्ज़ा मनी पॉकेट, ये माँ ने नाम रखा है पिज़्ज़ा मनी पॉकेट। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल यूनिक नाम है इसका, और बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने ये मैदा लिया है 2 गिलास और इसको छान लिया है हमने। इसके अंदर हम ईस्ट डालेंगे और थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक और वार्म वाटर से यानी कि नीम गर्म पानी, इसको हम इसकी डो को भून लेंगे। हमने इसके अंदर शुगर डाली है 1 टेबल स्पून और हाफ टी स्पून हमने नमक डाला है। अब इसके अंदर माँ ईस्ट ऐड कर रही है 1 टेबल स्पून। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ही ऑयल या घी जो भी हो उसमें ऐड कर सकते हैं, आप अपनी आपकी चॉइस है। ये 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं घी। अब इसको हम नीम गर्म पानी से मिक्स कर लेंगे। ये माँ इसको गूंद रही है पिज़्ज़े की डो को। ये देखिए हमने पिज़्ज़ा मनी पॉकेट का की डो रेडी कर लिया है। अब इसको हम 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ते हैं और इसकी फिलिंग हम तैयार करने के लिए चलते हैं। ये इतनी झटपट और ज़बरदस्त सी हम रेसिपी लाए हैं माँ और मैं। ये रमजान के लिए हमने कटिंग किया है, 1 प्याज है, 1 हमारी शिमला मिर्च है, 1 हमारी गाजर है और ये थोड़ा सा हमारा है कीमा। चिकन का ले लें, चिकन का की बोटियाँ ले लें छोटी छोटी क्यूब्स में, या कीमा ले लें, हमें कीमा लिया है और है 1 टमाटर। अब इसकी हम बनाएंगे फिलिंग, बहुत ज़बरदस्त सी और इतनी ईजी और टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी है। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यह इसके बाद थोड़ा सा सौते करेंगे लहसुन अदरक के अंदर, फिर बाकी चीज़ ऐड करते जाएंगे। कीमा हमारा सौते हो गया, अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर हमने प्याज ऐड कर दिए कीमे में, चिकन के टमाटर भी ऐड कर देंगे और गाजर भी। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, यूनिक स्टाइल से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो आपके घर में वेजिटेबल हाँ वो डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। हमें ये पसंद है तो हमने इसमें यह ऐड कर दिया मैंने और महा ने। अब इसको हम मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से और इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये हम टिक्का मसाला डाल रहे हैं, हम ओरिगानो और थाइम भी ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून ओरिगानो और 1 टीस्पून हम इसमें थाइम ऐड करेंगे। आप जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताकि आपके पास इजी और यूनिक की रेसिपी बहुत जल्दी आए। भागती दौड़ती और आप लोग कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रहे हैं और थोड़ी सी इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स रेड वाली। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा फिलिंग रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च और धनिया जो महाने काट के रखा था वो ऐड कर रहे हैं। कलरफुल लगता है इसे, इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी फ्लेम बंद कर देंगे, फ्लेम बंद कर दें। अब ये ठंडी होगी, इसको साइड पे कर देते हैं और जो हमने डो अपनी गूंद के रखी थी अब उसको उसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसकी फिलिंग इसमें निकाली है पिज़्ज़ा मनी पॉकेट की और ये हमारी चीज़ है और ये ऊपर गार्निश के लिए हमने शिमला मिर्च और धनिया कट किया है इसके। चलिए अब इसको हम जो हमारी डो हमने भिगोई थी वो हमारी राइस हो गई होगी। ये हमारी डो है, ये राइस हो गई थी, हमने 1.5 घंटे इसको भिगोया था डो को इसकी, तो आटे को इसकी, तो ये डो हमारी कितनी खुल के ज़बरदस्त हो गई है देखिए। चलिए अब हम चलते हैं इसको बनाने के लिए। ये देखिए इसकी एयर हमने निकाली है डो की, अब इसको हम बेलते हैं। बिल्कुल इसको हल्के हाथ से बेलना है अपने डो को।
ये देखिए हमने इसको बेल लिया है रोटी को, अब इसको हम कट लगाएंगे। ये देखिए हमने सेंटर में से किया इस तरीके से कट लगाया, बाकी एक कट हम इस तरीके से लगाएंगे। ये माँ को लगाना नहीं आ रहा है, मुझे लगाना पड़ रहा है, मोबाइल छोड़ के फिर मैं लगा के दिखाती हूँ हम लोग। ये देखिए मेरे हाथ में मोबाइल है, वह हिल रहा है। ये इस तरीके से हम कट लगाएंगे, एक छोड़ छोड़ मैं लगाती हूँ, इस तरीके से हम कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया, अब इसको हम करेंगे डीप फ्राई। ये देखिए एक हमारा पॉकेट फूल गया, पॉकेट मनी यानी जो महा ने नाम रखा है पिज़्ज़ा पॉकेट मनी, ये हमारा फूल गया है, इसको हम निकाल रहे हैं, बाकी हम बाकी आपको डाल के दिखाते हैं। ये देखिए एक हमारा पॉकेट फ्राई हो गया है, अब हम बाकी करने चलते हैं। अब ये मैं हाथ दूसरा डाल रही हूँ, इसको तेज़ फ्लेम पर फ्राई करना है और इस पर स्पून से ऑयल डालना है ताकि ये फूल जाए। डालते हुए दिखाएं ये वाला जो है ना, गोल स्पून से इसके ऊपर ऑयल डालिए ताकि ये थोड़ा सा फूल जाइए, ताकि फिर इसको हम कट करके इसके अंदर भरेंगे फिलिंग। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें दूसरा भी हमारा फूल गया, रेडी हो रहा है, सारी इसी तरीके से हम फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए ये भी हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पॉकेट्स रेडी हो गए हैं और ये हमारी फिलिंग है और ये हमारी चीज़ और वो है मसाला। अब इसको हम भी सेंटर में से कटिंग करेंगे और सारा मसाला इसमें ऐड करेंगे, भरेंगे फिलिंग इसके अंदर। ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया सेंटर में से, अब आपको हम काट के दिखाते हैं। ये एक मैंने काट लिया है, ये देखिए महा कटिंग कर रही हैं। ये देखिए इस तरीके से हम कटिंग कर रहे हैं सेंटर में से इसको पूरा। ये देखिए इस तरीके से महा ने कटिंग कर लिया, सारे हम इसी तरीके से कटिंग करते जाएंगे। ये देखिए ये पॉकेट बन गए हमारे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये पॉकेट में हम पहले केचप डालेंगे चिली गार्लिक, और जो हमने रखी थी फिलिंग इसकी रेडी वो डालेंगे। ये डालेंगे अब चीज़ ऐड करेंगे इसमें, और ग्रीन अपना मसाला ऐड करेंगे। सारी इसी तरीके से बनाते जाएंगे, मैं आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसमें फिलिंग कर ली है सब कुछ, ये देखिए पूरा मसाला इसमें ऐड है सब में, सब पॉकेट्स के अंदर। ये इतने टेस्टी और शानदार बने मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए बिल्कुल यूनिक हमने डिश बनाई है, हमने कहा आपके साथ शेयर करते हैं, तो हमने आपके साथ ये शेयर किया। एक मैंने आपको खोल के दिखाया इस तरीके से फिलिंग की है हमने इसकी, बाकी हमने ये बंद किए हैं। आप ज़रूर मेरी और महा की रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए। अब हम चलते हैं, हमें दुआओं में याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।